ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ना, इसमें ऐसा होता है कि हर स्टेट में होता है। तो ये टैक्स ऐसा है कि स्टेट हम वाइज। स्टेट वाइज तो है ही, मतलब ये पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है प्रोफेशनल टैक्स का, तो उसमें आप चाहे बिजनेस करो या आप चाहे कोई प्रोफेशन करो। जैसे आपने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल दी, किराने की दुकान खोल दी, या आप अगर कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर की डिस्पेंसरी खोल दी, या आप वकील हो तो आपने अपनी एक ऑफिस खोल दी कि भाई आप वकील हैं, तो आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगना चालू हो जाएगा, मीटर चालू हो गया। अब ये डिटरमाइन करना होता है कि वो कब से चालू हुआ, तो उसके लिए अब बहुत सारे लोग नहीं भरते। तो जब अगर कभी किसी के पास कोई ऑफिसर आ गए, वो बोलने लगे आपको प्रोफेशनल टैक्स भरना है, तो वो क्या पेपर देखेंगे जिससे वो अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको कब से भरना है? तो वो पेपर आपसे मांग सकते हैं आपका गुमास्ता लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो जो तारीख को आपने कंपनी रजिस्टर की वो तारीख से। उसके बाद में अगर आप समझो सीए हो तो बोलेंगे आपको सीए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब मिला वो तारीख से। तो ऐसा वो डिटरमाइन करते हैं। अब प्रोफेशनल टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो आप पे लगेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो, और दूसरा आपके अंडर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी प्रोफेशनल टैक्स लगता, लेकिन वो प्रोफेशनल टैक्स आपको जमा करके सरकार को भरना है, और वो उनकी पगार में से कट करके भरना है, खुद की जेब से नहीं भरना है। तो वो कितना पैसा है? वो है 250 रुपये पर ईयर, पर मंथ, 250 रुपये पर मंथ। तो साल का 2500 भरना है, लेकिन इसमें कुछ छूट है। वो छूट ऐसी है कि अगर पर्सन की सैलरी कम है, जैसे ये जो 250 रुपये पर मंथ है ना, ये उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 10,000 के करीब है, और जो सैलरी कम है जैसे 5,000 है, 7,000 है, तो उनको कम पैसा भरने के लिए आएगा। तो अब जैसे टीडीएस होता है ना कि हम दूसरे का कट करके हमारे को जमा करने की जिम्मेदारी है, वैसे प्रोफेशनल टैक्स में जो मालिक है कंपनी का, उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की सैलरी से कट करके वो जमा करें। अब जो मालिक है उसको भी 2,500 खुद का जमा करना है। अभी समझो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, समझो कि डायरेक्टर चार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर डायरेक्टर हूँ, ठीक है, तो अब प्रोविजन ये भी बोलता है कि अक्सर डायरेक्टर सैलरी लेते, तो बोलेंगे भाई तुम चार कंपनी के डायरेक्टर हो और तुम सैलरी ले रहे हो उससे, तो चार बार प्रोफेशनल टैक्स नहीं भरना है, एक ही बार भरोगे 2,500 काफ़ी है। लेकिन कंपनी आर्टिफिशियल एंटिटी होती है। अगर आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद के नाम पे अकाउंट खोलती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको खुद को भी एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, ऐसा होता है मामला। तो वो 2,500 भरेगी कंपनी के सब डायरेक्टर 2,500 भरेंगे साल का। अब अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जो 10 कंपनियों में डायरेक्टर है अलग अलग, तो वो एक ही बार 2,500 भरेगा एक ही कंपनी के लिए, 10 के लिए अलग अलग नहीं भरेगा, ऐसा मामला है। तो इस हर तरीके कंपनी का भी जाएगा, कंपनी का भी जाएगा, हर डायरेक्टर का भी जाएगा, कंपनी का भी जाएगा, मतलब हाँ, कंपनी हर कंपनी का अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग जाएगा, हर साल का 2,500 रुपये। मतलब कंपनी में दो डायरेक्टर हैं, दो दो दोनों डायरेक्टर का और प्लस एक कंपनी का, तीन हाँ जाएंगे तीन जाएंगे, लेकिन अगर वो दोनों डायरेक्टर फिर से एक ही कंपनी में, तो एक ही तीन लोग कंपनी, भी जाएंगे ना हाँ, अगर वो और भी कंपनी में, तो एक इंसान पर एक एक ही बार बार ढाई इंसान हजार भी लगेगा। है कंपनी अच्छा का। समझो एक आदमी है जो डायरेक्टर भी है, नौकरी भी करता है, दोनों काम करता है, तो अगर उसका नौकरी में कट रहा है ना, तो उसको फिर डायरेक्टर में नहीं कटेगा, मतलब उसके ऊपर सिर्फ 2,500 रुपया ही लगाया जा सकता है। अब ये रजिस्ट्रेशन जो है प्रोफेशनल टैक्स का, ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बेसिक पेपर लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो किसका? और कंपनी के लिए। कंपनी का। अब कैसा है कि रजिस्टर तो कंपनी ही कर सकती है, कंपनी से मेरा मतलब है प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड। जैसे अगर हम कहीं नौकरी करते तो हमको रजिस्टर नहीं करना है, हमारी कंपनी का मालिक रजिस्टर करेगा, ऐसा है।
और अगर हम खुद ही कंपनी के मालिक हैं तो हम रजिस्टर करेंगे, इस हिसाब से होता है। और पेनल्टी वो लोग लगाते हैं, लगा सकते हैं उसके ऊपर, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकते हैं ऐसा। अभी अगर कंपनी, अभी ये इसमें केस लॉ में मैंने अभी देखा तो ये भी लिखा है कि बिजनेस शुरू करने पर ये टैक्स है। अगर आप बिजनेस आपका नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ, तो उसे मतलब नहीं है, शुरू कर रहे तो शुरू कर दिया ना तो टैक्स लग गया। बिजनेस हुआ या नहीं हुआ उससे लेना देना नहीं है ऐसा मामला, ठीक है।